आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पूरे शरीर की एक कीमत लगाई जाए तो वह कितनी होगी? और क्या आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख ढककर क्यों रखते हैं? और अगर आपके दिमाग में से कुछ आवाज़ें आने लगे जो आपको बताने लगे कि आपको कोई बीमारी है तो क्या होगा आपका रिएक्शन? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अपने सीट के बेल्ट को जरा बांध के रखना, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अद्भुत, चौंका देने वाले और मजेदार फैक्ट्स की जर्नी पर। तो फिर चलिए, देर किस बात की, आपका फैक्ट बॉस के इस एपिसोड में स्वागत करते हुए इस जर्नी का आरंभ करते हैं। फैक्ट नंबर 10। हमने अपने दोस्तों के बीच सुना होगा कि आज मैंने एक लड़की को या फिर लड़के को जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है उसे देखा। पर क्या आप जानते हैं कि एक शॉकिंग बात है कि हमारी तरह दिखने वाले इस दुनिया में 6 लोग होते हैं और हमें उनसे मिलने की संभावना केवल 9% होती है, यानी कि बहुत कम। फैक्ट नंबर 9, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये धुन हमारे लिए नई तो नहीं है, बचपन से हम इसे सुनते आए हैं। लेकिन आपने कभी ये गौर किया है कि इस गाने की धुन ABCD सॉन्ग जैसी ही है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ABCDEFG, यानी दोनों की धुन एक जैसी ही है। क्यों है ना माइंड ब्लोइंग फैक्ट? अगले फैक्ट की ओर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की ओर। ये अजीब घटना हुई 1984 में। एक महिला को अपने दिमाग में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उन्हें बताने लगी कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। और यही नहीं, उन आवाज़ों ने उन्हें ट्यूमर का एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया। तो वो महिला बौखलाकर डॉक्टर के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर्स ने उन पर कुछ टेस्ट किए और ये पाया गया कि उस औरत को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर का लोकेशन भी वही है जो उन आवाज़ों ने बताया था। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो शॉक थे। उस महिला का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और लास्ट में उन्हें अंतिम बार आवाज़ें सुनाई देने लगी कि हमें आपकी मदद करके अच्छा लगा, गुड बाय। उस महिला का ये कहना था कि वो उनकी गार्डियन एंजल थी। मानना मुश्किल है, पर हाँ, कुछ बातें सोच समझ से परे होती हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का नेशनल फ्लैग 17 साल के एक स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया था, और वो भी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, और उसे इसके लिए बस बी ग्रेड मिली। फैक्ट नंबर 6, क्या आप एक ऐसा सेंटेंस बता सकते हैं जिसमें सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं? ज़रा सोचिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस में पूरे 26 अल्फाबेट्स आते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रूबिक क्यूब को बनाने वाले अर्नो रूबिक को 1 महीने का टाइम लगा खुद के ही रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए? फैक्ट नंबर 4, हम में से कई लोगों का लक्ष्य होता है ग्रेजुएट होना और डिग्री पाना, लेकिन क्या आपको पता है हमारे भारत में एक महान व्यक्ति ऐसे भी है जिनके पास एक नहीं बल्कि 20-20 डिग्रियां हैं। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिजकर। उनके पास मेडिकल फील्ड से लेकर IAS, IPS, लिटरेचर तक की डिग्री है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति करके दर्ज हुआ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है अगर ह्यूमन बॉडी की अगर एक कीमत लगाई जाए तो उसका प्राइस कितना होगा? तो आज प्राइस टैग लगाई देते हैं। अगर हम अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, केमिकल्स को बेचते हैं तो उसकी कीमत होगी $45 मिलियन। जी हाँ। फैक्ट नंबर 2, बॉइंग कॉन्ग लॉन्ग, ये एक जगह का नाम है जो थाईलैंड के बैंगकेन प्रोविंस में पड़ता है। वहाँ पर एक रहस्यमय चीज़ पाई गई है, एक विशाल सांप के आकार की चट्टान जो आजकल चर्चा का विषय है। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई विशाल सांप चट्टान के आकार में बन गया हो। चट्टान की बनावट बिल्कुल सांप के खाल जैसी ही है। वहाँ के लोगों का मानना है कि विशाल सांप के आकार की चट्टान श्रापित राजा उल्लू है। फैक्ट नंबर 1, हम में से कई सारे लोगों ने हॉलीवुड फिल्में देखी होगी और उनमें से पायरेट्स की फिल्में तो देखी ही होगी, जैसे कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। और नोटिस किया होगा कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख ढककर रखते हैं
और सोचा होगा कि उनकी एक हाँक लड़ाई में चली गई होगी या फिर ये उनके पोषक करने का तरीका होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसकी वजह कुछ और है। वो अपनी आँख इसलिए ढकते थे ताकि वो अंधेरे में लड़ाई कर पाए। उन्हें लड़ाई करते वक्त जहाज के डेक पर जाना होता था जहाँ काफ़ी अंधेरा होने की वजह से वो क्लियरली देख नहीं पाते थे, इसलिए वो अपनी एक आँख का ढका हुआ पैच दूसरी आँख पर शिफ्ट करते थे ताकि काफ़ी समय रोशनी के संपर्क में नहीं आई हुई आँख एकदम से क्लियर देख सके, जिनसे उन्हें लड़ाई करते वक्त मदद होती थी। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले अगर आपने फैक्ट बॉक्स के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।